आप सभी लोगों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। आशा करती हूँ कि आप सब लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे और आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है गाइस। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ये खूबसूरत से प्लांट के बारे में। इन्हें हम बटरफ्लाई प्लांट कहते हैं। इसका साइंटिफिक नेम है ऑक्सैलिस ट्राइंगुलरिस। इसकी फैमिली है ऑक्सीलिडेसी और इसे हम फॉल्स शैम रॉक भी कहते हैं। गाइस, ये एक पेरिनियल प्लांट है, यानी कि साल भर रहने वाला प्लांट। साल के एक समय में ये डोर्मेंसी में चला जाता है, लेकिन फिर से ये अपने असली रूप में आ जाता है। इनके जो फूल होते हैं वो बहुत छोटे छोटे और प्यारे से होते हैं। आप लोग देख सकते हैं इनका जो कलर होता है वो वाइटिश पील पिंक है, आप लोग देख सकते हैं गाइस। और ये 5 पेटलस है। इनके फूल दिन को तो खिलते हैं धूप की रोशनी के कारण से, लेकिन शाम को ये बंद हो जाते हैं। और आप लोग इनके पत्तों को देख सकते हैं, इनके फूल से भी ज़्यादा अट्रैक्टिव इनके लीव्स है। लीव्स ग्रीन कलर के ना हो कि डीप मैरून कलर के हैं। सो गाइज, इनको मैं बहुत साल पहले लेकर आई थी और एक ही छोटा सा पौधा मुझे मिला था। ये एक्चुअली में एक वीड की तरह ग्रो करता है, यानी कि जो नॉर्मल घास होते हैं उन्हीं की तरह ग्रो करता है अपने गार्डन में। और इसके कई सारे दूसरे स्पीशीज़ भी होते हैं जो गार्डन में यूं ही ग्रो हो जाता है, लेकिन ये सबसे अलग और ब्यूटीफुल होता है, इसीलिए हम अपने घरों में इनको ग्रो करते हैं। और लीव्स को देख सकते हैं, ये ट्राई फॉलिएट है। कलर देखिए गाइस, बहुत ही ज़्यादा प्रिटी और सुंदर सा है। इनके रूट्स ज़्यादा डीप नहीं जाते हैं, तो इसीलिए मैंने इनको छोटे से प्लास्टिक में ही ग्रो किया है। ये कम स्पेस में भी बहुत अच्छे से ग्रो हो जाते हैं। अगर आप चाहते हैं तो आप इनको हैंगिंग बास्केट पर ग्रो कर सकते हैं गाइस। बहुत ही ज़्यादा सुंदर सा लगता है हैंगिंग बास्केट में। अगर आप इनको अपने घर के अंदर रखना चाहते हैं तो आप रख सकते हैं। ये इंडोर में भी बहुत अच्छे से ग्रो हो जाता है, लेकिन आप इनको विंडो के पास ही प्लेस करें। विंडो के सामने जो ब्राइट सनलाइट आती है उसमें ये अच्छे से ग्रो हो जाते हैं। इनको ब्राइट इनडायरेक्ट सनलाइट बहुत ज़्यादा पसंद है, तो आप गार्डन में भी इनको ऐसी जगह पर रखें जहाँ पर सनलाइट इनके सामने से पास हो रही हो, इनके ऊपर डायरेक्ट ना पड़े, क्योंकि इनके जो लीव्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा नाजुक होते हैं। ज़्यादा पानी या फिर ज़्यादा धूप होने से इनके लीव्स मर जाते हैं। तो गाइज, इनके लिए बहुत ही ज़्यादा कम पानी का उपयोग करना है। वाटरिंग शुड बी वेरी लाइट। आप ज़्यादा पानी इनमें ना दें। जब इनका सॉइल एकदम से सूख जाए तभी आप इनमें हल्का सा पानी का छिड़काव करें। इनके छोटे छोटे से बल्ब होते हैं जो ज़्यादा पानी टॉलरेट नहीं कर पाते हैं। सो इनको ग्रो करना और इनकी केयर करना बहुत ज़्यादा आसान है। ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती है इनके लिए। तो अभी इनका सीज़न स्टार्ट हो गया है, तो अभी जब ये फरवरी का महीना शुरू हो गया तभी से ये भी थोड़ी थोड़ी गार्डन में ग्रो होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो हम गार्डन से निकाल के इनको इस तरह से प्लास्टिक के पॉट में या फिर जो नॉर्मल गमले होते हैं उनमें लगा देते हैं। इनके लिए ज़्यादा गहरा गमला चुनने की ज़रूरत नहीं है। छोटे छोटे से जो गमले होते हैं उनमें भी ये बहुत ज़्यादा अच्छे से ग्रो हो जाते हैं। रूट्स भी इनके ज़्यादा डीप नहीं जाते हैं, ऊपर ऊपर ही रहते हैं। अभी तक आपके पास ये प्लांट नहीं है तो ये नर्सरी में भी अवेलेबल है, आप नर्सरी से ख़रीद कर लाइए। इनके छोटे छोटे से बल्ब भी ऑनलाइन मिल जाते हैं जो आराम से ग्रो हो जाते हैं। इनके लिए आपने ज़्यादा केयर भी नहीं करनी है। ये एक घास की तरह ही है, घास ही है गाइस, जो बहुत ज़्यादा अच्छे से ग्रो हो जाते हैं। लेकिन इनके जो लीव्स है वो ज़्यादा कलर्ड और ब्यूटीफुल होने की वजह से इन्हें हम अलग से ग्रो करते हैं। और आप लोग देख सकते हैं कि एक ही ब्रांचेस में ढेर सारे फूल आ जाते हैं। इनके छोटे छोटे से होते हैं लेकिन एकदम से गुच्छे में खिल जाते हैं, तो दिखने में सुंदर लगते हैं और लीव्स भी बहुत ज़्यादा प्रिटी है। तो जब भी ये मुझे गार्डन में ग्रो होते हुए दिखते हैं तो मैं इनको निकाल के इस तरह से इन्हें लगा देती हूँ। और जब मैंने लाया था तब मेरे पास एक ही था, तो अभी मैंने जब मतलब कि गार्डन में देखती हूँ तो बहुत सारे उगे रहते हैं।
थोड़ी सी नाजुक प्लांट है गाइस, तो सॉइल मिक्सचर भी अच्छा सा प्रिपेयर करें और हल्का सा सॉइल मिक्सचर इनके लिए दें, ज़्यादा हैवी वाला ना दें। और चिकनी मिट्टी तो बिल्कुल भी इनके लिए आप यूज़ ना करें, बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती है। इनके जो रूट्स होते हैं उनको ज़्यादा पोरस सॉइल पसंद है और जो हवा होती है एयर वो अच्छी फ्लो होनी चाहिए, एयर जो फ्लो होती है वो बहुत ज़्यादा बेहतरीन होना चाहिए, नहीं तो यहाँ पर जो इनके रूट्स होते हैं वो सड़ जाते हैं और रूट्स जैसे ही सड़ना स्टार्ट हो जाएंगे तो इनके जो पत्ते हैं वो भी एकदम से बंद हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा एकदम मतलब कि नीचे झुके रहते हैं जो दिखने में अच्छे नहीं लगते हैं। अभी देखिए ये हेल्दी है तो कितने ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं। 3 काले प्लास्टिक बैग में मैंने इनको लगाया है, जब ये थोड़े से बड़े हो जाएंगे तो मैं इनको पॉट में ट्रांसफ़र कर दूंगी, तब मैं आप लोगों को वीडियो दिखाऊंगी। इनकी प्रोपगेशन भी बहुत ज़्यादा आसानी से हो जाती है, आप इनको इजीली रूट डिवीजन के थ्रू मतलब कि प्रोपगेट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप कि आप सभी लोगों को ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। सो मिलती हूँ आप सभी लोगों से एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस, टेक केयर एंड स्टे सेफ।